विधायक पूजा पाल को सताने लगा दर्द, सीएम योगी से करेगी मुलाकात। बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने भी जान को खतरा बताया है। उमेश पाल के घर पहुंचकर पूजा पाल ने खुद की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से पूरे घटनाक्रम में सहयोग करने और आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। बीएसपी विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल मृतक उमेश पाल के घर पहुंची थी। यहां पर परिजनों को उन्होंने धानरस बंधाया है। इस दौरान पूजा पाल ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में वे परिजनों के साथ हैं, हर संभव जो भी जरूरत होगी वह मदद करेगी। हालांकि इस दौरान उमेश पाल के परिजनों से पूजा पाल की हल्की नोकझोंक भी हुई, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरीके से समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बता दें कि दोपहर में पूजा पाल को लेकर मृतक उमेश पाल की पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्यों ने बेहद गंभीर आरोप लगाया था। उमेश पाल के परिजनों ने सीधे तौर पर कहा था कि माफिया अतीक अहमद से मिलकर के पूजा पाल ने इस हत्याकांड की साजिश रची है, वह भी इस घटनाक्रम में शामिल है। लेकिन अंतिम संस्कार से ठीक पहले पूजा पाल उमेश पाल के घर पर पहुंचती है। घटना के 24 घंटे बाद पहुंचने पर पूजा पाल ने कहा कि राजू पाल हत्याकांड की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने उन्हें सुरक्षा के लिहाज से घर से नहीं निकलने की बात कही थी, यही वजह है कि वह देर से यहां पर पहुंची है। पूजा पाल ने कहा कि उमेश पाल उनके परिवार के सदस्य थे, वह उनके पूरे परिवार के साथ है। उन्होंने पूरे घटनाक्रम में दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने के साथ ही खुद की भी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। पूजा पाल ने कहा कि राजू पाल हत्याकांड का ट्रायल अंतिम चरण में है, ऐसे में उनके सुरक्षा की जाए क्योंकि उनकी जान को भी खतरा है। जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, इससे साफ है कि आरोपियों में कानून का कोई खौफ नहीं है। उन्होंने राजू पाल हत्याकांड में जो लोग भी गवाह हैं, उन सभी के लिए सुरक्षा की मांग की है। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। और मैं भी लखनऊ में थी, मेरा भी राजू पाल जी वाला मर्डर वाला मुकदमे का सिरा चल रहा था, मेरा खुद का परसों मेरा पूरा कंप्लीट हुआ, कल सदन एक दिन कर पाई हूँ और सीबीआई का कुछ जांच हुआ है तो सीबीआई वालों ने मना कर दिया कि मैडम आपको ऐसे नहीं निकलना बिना हम लोग के सुरक्षा दिए हुए। तो उन्हीं का बात मान के मैं रुकी हुई थी, मगर फिर देखा इधर बहुत बहुत तो फिर मैं इधर आगे मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि परिवार है देख तो रहे हैं, सब बिलबिला रहे हैं, परेशान है, रो रहे हैं। अब जैसे हो सकता है अपना ढांढस बंधाए हैं। देखिए क्या सांत्वना दी आपने अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से? अब देखिए यहाँ कोई राजनीति तो है नहीं, ये तो घर है, तो आपको बहन की तरह मानते थे इसीलिए तो। जी जी, अब जो है परिवार की तरह है भैया, अब जो जो हो सकेगा उनके लिए हम लोग हैं, जो सकेगा किया जाएगा, यही है। परिवार के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं? नहीं, वो तो है ही है, जो हुआ है, जो घटना हुई है, जो वो लोग देखे हैं, तो जो मांग है वो उनका होगा, जहाँ तक हो सकेगा हम लोग करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से ये आपके पति की हत्या में गवाह थे, उनके साथ जिस तरह से घटना हुई है, आपको भी लगता है कि आपको भी सुरक्षा बढ़ाए जाने की जरूरत है? तो सुरक्षा तो हम लोग मांग ही रहे हैं सब, अभी तो इनको तो दो मिला है और हमने भी अपनी सुरक्षा के लिए कहा था, और अभी जो रुखसाना थी जिनको दो गोली कंधे पे लगी थी उनको नहीं मिला है, और दो और हमारे जो थे उनको नहीं मिला है। आज 3 महीना हो गया कहते हुए मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आपको भी कोई खतरा है? खतरा तो है ही है भैया, अभी समय ट्रायल चल रहा है, अभी समय एकदम 18 साल के बाद एकदम चुनाव मतलब मुकदमा एकदम सर पे है, तो दिक्कत तो वही है, खतरा उन्हीं लोगों से है। जी जी, क्या कुछ आपकी सुरक्षा नहीं हो रही? तो आपको भी कोई खतरा है? खतरा तो वही है भैया, अभी समय ट्रायल चल रहा है, अभी समय एकदम 18 साल के बाद एकदम चुनाव मतलब मुकदमा एकदम सर पे है, तो दिक्कत तो वही है, खतरा उन्हीं लोगों से है। जी जी, क्या कुछ आपकी सुरक्षा को लेकर आप? नहीं, सुरक्षा हो पाएगा तभी सब कुछ हो पाएगा, नहीं सुरक्षा नहीं हो पाएगा तो हमको नहीं लगता कुछ हो पाएगा। ट्रायल तो फाइनल स्टेज पर है आपका? जी जी, हमारा सीबीआई में है, सीबीआई कोर्ट, हमारा सीबीआई में है। ऐसे समय में तो आपको और सुरक्षा की जरूरत? हमने डिमांड किया था, हमने डिमांड किया भी है, कोर्ट में भी हमने दिया है, ऐसे भी एप्लीकेशन हमने दिया है, गवाहों के लिए भी मांगे थे और उससे पहले ही। आज तो मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा है कि जिन लोगों ने घटना की है उनको मिट्टी में मिला देने से लगता है कि
जी 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 जी, अब उन्हीं लोगों का वो है, सहयोग करेंगे तो सब सही होगा। और सुरक्षा तो देनी चाहिए, पूरा देना चाहिए, तभी आगे कुछ हो सकता है। क्या सुरक्षा का किसके ऊपर शक है? कुछ परिवार वालों ने बताया आपको? कुछ आपसे कोई मदद मांगी परिवार नहीं वालों? अभी तो सब रो ही गा रहे थे भैया, आप कल बात पूछोगे बात तो जान देख तो रहे हैं, सब सब रो ही रहे हैं, परेशान है। नहीं, सुरक्षा तो मांगेंगे ही, इतना बड़ा मुकदमा चल रहा है और देख तो रहे हैं हम लोग कैसे लड़ रहे हैं। अब हम लोग को नहीं सुरक्षा मिलेगी तो फिर आगे कैसे हम लोग कर पाएंगे? नहीं, हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। क्या करेंगे, सीएम से या सरकार से? हाँ, मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, सुरक्षा अपने सुरक्षा के लिए कहेंगे, गवाहों के लिए कहेंगे। सुरक्षा नहीं मिल पाएगा तो कौन जाएगा आप बताइए? डर लग रहा है आपको? डर तो है ही है, देख तो रहे हैं।